तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक स्मार्ट बैग जो हमारे डेली यूज में आएगी और वो एक बैग कस्टमाइज्ड बैग रहेगी, यानी हम इसमें कुछ ज़्यादा कनेक्शंस या फिर कुछ ऐसी अलग अलग चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ जो कंपोनेंट्स है हम बस उन्हें हमारी बैग में ऐड कर देंगे। यानी जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे पास ये फ़ोन है, तो अभी हम ये फ़ोन को चार्ज करने के लिए बैग में हमेशा के लिए एक पावर बैंक ऐड कर देंगे, जिससे हमारी बैग में कोई मतलब इन केस हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए तो हमारे पास एक पावर बैंक रहेगी, क्योंकि हम बैग है। और ये बात खास कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है और जो ऑफिस में बैग लेके जाते हैं, यानी इंजीनियर्स और वो सब लोगों के लिए। तो बाकी के लोग को तो इसका कुछ काम नहीं है, पर अगर आप चाहिए तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं बैग को। और सबसे मेन बात, हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक स्पीकर। तो चलिए मैं आपको वो स्पीकर भी दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये रहा वो स्पीकर, ये हमारा एक ब्लूटूथ स्पीकर है। तो ये अभी बहुत पुराना है स्पीकर, पर काम एकदम अच्छा करता है। मैं इसको आपको इसका ऑन होने का साउंड सुना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका आवाज़ बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसको प्ले कर दोगे तो आपके लिए तो आपको आवाज़ सुनाई देगा, साथ में अगर आपके साथ कोई बैठा है तो वो भी सुन लेगा। तो ये हेडफोन से बेटर है, क्योंकि हेडफोन्स अगर कान में हम लगा देंगे तो वो रिस्की भी रहता है हमारे कान के लिए, और हमें अगर गाड़ी चलाते वक्त सुन रहे होंगे तो हमें बाहर का आवाज़ भी नहीं आता, तो इससे वो भी काम हो जाएगा। और तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमें लगने वाला है एक स्पीकर, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका स्विच है, देख सकते हैं दोस्तों आप, अच्छा आवाज़ है। तो आपको एक ऐसा स्पीकर चूज़ करना है जिसका आवाज़ आपको बैग के अंदर से आ जाए, क्योंकि हमें वो बैग के अंदर लगाना है। फिर उसके बाद लगने वाले ये एक पावर बैंक है, ये मेरी थोड़ी स्लिम और बड़ी है, आपको जितनी हो सके उतनी छोटी आप पावर बैंक यूज़ कीजिए, ये अभी भी बड़ी है बहुत। तो फिर उसके बाद लगने वाले हैं दो LEDs, एक तो गिर गई, हाँ ये रही, ये देखिए दो LEDs और एक बैटरी। तो सबसे पहले हमें काम कर लेना है कि अभी ये देखिए फ़ोन को चार्ज करने का सिस्टम तो हमारा बहुत इजी रहने वाला है, हम डायरेक्टली पावर बैंक से सप्लाई लेंगे और इसको भी चार्ज हम पावर बैंक से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पावर बैंक की ये लाइफ तो कम से कम ये इसको चार्ज कर लेगी ये पावर बैंक। फिर मैं इसका भी पावर सप्लाई इससे ही दूंगा। फिर ऑन करने के लिए बटन यूज़ कर लेंगे, ये देखिए कैसे बजता है। फिर ये बैटरी हम इसको 10 के रजिस्टर लगा देंगे, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, हम इसको 10 के रजिस्टर लगा के मैं ये दो LEDs ही यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो हम बैग को कितने भी LEDs लगा सकते हैं, पर मैं अभी दो ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये लॉकडाउन की वजह से सिर्फ दो ही LEDs है और ये बैग मतलब मेरे पास थे पर वो ख़राब हो गए और ये बैग भी रेड है, इसलिए मैं दो ही लगा रहा हूँ यहाँ पर अभी। एक ये देखिए मैं आपको उनका पोजिशन भी बता देता हूँ। तो हमें ये जो बैग है उसके यहाँ पर ये देखिए एक हम लगा देंगे यहाँ से, इसे अंदर डाल देनी है हमें और दूसरी वाली यहाँ से। तो फिर ये जो हमारा एरिया है हम अंदर से दोनों के वायर्स को मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव पूरा यहाँ तक ये बैटरी तक ले लेंगे। कहाँ पे गई हमारी बैटरी, हाँ ये रही बैटरी, ये बैटरी को हम लगा देंगे जिस और बैटरी को सबसे पहले हम 10 के रजिस्टर लगा देंगे जिससे हमारी LED शॉर्ट ना हो जाए। तो फिर ये कनेक्शन होने के बाद हम सिंपली एक केबल यूज करेंगे, ये वाली आपका जो फ़ोन होगा आप उसके हिसाब से केबल ले सकते हैं, मतलब एप्पल फिर वो सी टाइप का हो आपका तो वो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अभी मैं डायरेक्टली फ़ोन को ये देखिए आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ मैं अभी इसको। तो अभी मैं इसको पावर बैंक को चालू कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक लाइट दिख रही होगी,
लाल लाइट ब्लिंक हो रही है, ये देखिए यहाँ से सप्लाई चालू है, मतलब हमारी पावर बैंक और स्पीकर दोनों भी काम करते हैं। अब हम एक बार स्पीकर को काम शुरू करने से पहले टेस्ट भी कर लेंगे, तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अभी इसको फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है और अभी मैं एक गाना प्ले कर देता हूँ। तो अभी मेरा वॉल्यूम लो है, ये देखिए हाय, मैं और नहीं सुना सकता नहीं तो मुझे कॉपीराइट लग सकता है। तो चलिए अब हमारा स्पीकर टेस्ट हो चुका है, अब हम हमारे काम पे लग जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले हमारी पावर बैंक को, अब आपका पावर बैंक का डिसीजन आपका है। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर है बैग में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक ऑर्गेनाइजर है मेरे बैग में ये। तो मैं इसके ये एक पार्ट में मेरी पावर बैंक डाल दूंगा, तो ये देखिए दोस्तों ये लग गई एक। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बैग को कस्टमाइज कर रहे हैं, हम कोई स्मार्ट बैग बना रहे नहीं हैं, तो इसलिए अभी ये हमारे हाथ में है कि अगर आपके बैग को यहाँ पे अगर वो हेडफोन का होल होता है ना वो हो, तो आप डायरेक्टली वायर यहाँ से बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे इसको नहीं है इसलिए मैं होल तो नहीं करूँगा, पर एक आइडिया ज़रूर कर सकता हूँ मैं कि ये जो चैन ये वायर थोड़ा लंबा लेके मैं यहाँ से इस तरह से निकाल सकता हूँ। ये देखिए चैन यहाँ तक भी बंद कर दूंगा मैं आखिरी तक, तो फिर मेरा वायर थोड़ा लंबा हो जाएगा और फ़ोन तक भी पहुंच जाएगा, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा और मैं काम भी कर सकूंगा। फिर उसके बाद हमारी जो ये बैटरी है इसको हम इसके अंदर लगा देंगे यहाँ पे, मतलब हमारा स्पीकर देखिए स्पीकर यहाँ पे अंदर लग जाएगा। रुको मैं स्पीकर को लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्या ये, हाँ ये रहा स्पीकर हमारा। तो अभी मैंने इससे इसका जो स्पीकर है मेन वो इस साइड रखा है बाहर की साइड को, जिससे हमें ठीक से गाना सुनाई दे। अब एक बार हम वापस से चेक कर लेते हैं उसे ऑन करके। तो इसका बटन ये हो गया ऑन, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, अरे ये हो गया चालू, मैंने बटन ही हिलाया नहीं था। तो इसे वापस देखो ये बोलता है अभी the device pair is successful. अभी आपको सुनाई दे रहा है आवाज ठीक से। तो अभी मैं चैन भी बंद कर लेता हूँ सारी, मतलब जहां से आवाज आने का चांस है। तो अभी दोस्तों मेरी पावर बैंक को मुझे अंदर से ही चालू करना पड़ता है, और आप तो वायर कहीं हर बार बाहर नहीं रखेंगे, इसलिए आपकी पावर बैंक अगर ऑटो ऑन हो तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो फिर आपको ऑन करनी पड़ेगी वायर लेते वक्त। अभी ये देखिए मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारी चार्जिंग भी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं कैमरा की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 32 है। अब मैं गाना प्ले कर देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों कि गाना ठीक से बज रहा है और फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, मतलब हमारा ये सेटअप तो परफेक्ट हो चुका है। अभी हमें सबसे मेन काम करना है वो है हमारी LEDs। तो LEDs का कनेक्शन बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें कुछ नहीं इस तरह से यहाँ से अंदर LEDs डाल देने, उसमें से थोड़ा छोटा होल हो जाएगा वो, हम उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट बिना बैग को डैमेज किए काम करने की आइडियाज़ दे दी है। तो अभी मैं तो इसे नहीं फाड़ूंगा क्योंकि मुझे डांट नहीं खानी है, तो मैं इसे फाड़ूंगा नहीं। तो अभी मैं आपको कनेक्शंस डायरेक्टली बाहर बताता हूँ, आप प्लीज़ उसे अंदर से लगा लेना। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, यह है सब्सक्राइब का बटन, इसे क्लिक करना, और यह है और वीडियोज़ ये भी देख लेना।